बूंदी से खबर सामने आ रही है। बूंदी के तालेड़ा में महिला की मौत के मामले में 24 घंटे से गतिरोध जारी है। सड़क पर शव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह पोस्टमार्टम होने की भी उम्मीद है। परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन का समझौता हुआ है। लोगों ने तालेड़ा अस्पताल के बाहर सड़क पर पूरी रात निकाली। पुलिस जाब्ता अधिकारी तालेड़ा कस्बे में मौजूद हैं। गतिरोध थमने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें, कल अतिक्रमण हटाने के दौरान चमेली बाई की ये महिला का नाम है, जिसकी मौत हो गई थी। तो शव को रखकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और देखिए तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। प्रशासन और परिजनों में समझौता हालांकि हुआ है, लेकिन शव रखकर प्रदर्शन इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल का ये पूरा मामला है, जब अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला चमेली बाई की मौत हो गई थी और तब से शव रखकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। लोगों ने तालेड़ा अस्पताल के बाहर सड़क पर पूरी रात निकाल दी। पुलिस जाब्ता अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। समझौता भी यहाँ पर किया गया है, लेकिन गतिरोध भी अभी तक महिला की मौत पर बरकरार है। 24 घंटे से गतिरोध जारी है। सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सुबह पोस्टमार्टम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन का समझौता भी हुआ है। लोगों ने तालेड़ा अस्पताल के बाहर सड़क पर पूरी रात निकाली शव रखकर। और आपको बता दें कि पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। गतिरोध थमने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और कल का पूरा मामला, जब महिला की मौत हो गई थी अतिक्रमण हटाने के दौरान। तो संभावना जताई जा रही है कि आज सुबह महिला का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, खबर पर अपडेट बताएं और ये भी बताएं कि समझौता क्या कुछ हुआ है प्रशासन और इन लोगों के बीच में। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो बीती रात समझौता हुआ था उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। परिजनों ने उसे मानने से इनकार कर दिया है और अभी अभी कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी मौके पे पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो दोषी पुलिस कर्मी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार से परिजनों को न्याय मिले। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि 24 घंटे होने के बावजूद अभी भी किसी प्रकार की कोई समझौते की राह नजर नहीं आ रही है। कल विधायक अशोक डोगरा के साथ में जिसमें समझौता वार्ता हुई थी उसमें काफी प्रयास सफल भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद में जब रात को 10 बजे बाद विधायक पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत आए और जो परिजन थे उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया। बीती मध्य रात भी जब से एक बार फिर समझौते की वार्ता चली, लेकिन 3 बजे तक वार्ता सफल नहीं हो पाई। अच्छा। और अभी भी वो स्थिति गतिरोध के रूप में सामने आ रही है। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो समझौता नहीं हो पाया है, परिजन अड़े हुए हैं और कुल मिलाकर ये कि प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और शव रखकर इन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। 12 करोड़